बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जनाब दिन के 11:15 बजे, और अभी मैं अपने खेतों में आया हूँ जहाँ पर साईं जी जानवरों के लिए चारा जो है ना वो काट रहे थे। तो अभी ये चारा जो है ना वो लेके जाना होता है जनाब डेरे पे, तो सर पे ही लेके जाना होता है। तो एक बंदा जो है ना वो मतलब नहीं उठा सकता, उसके लिए दूसरा बंदा जो है ना वो चाहिए होता है। तो खैर, अपना ये काम खत्म करने के बाद उसके बाद थोड़ी सी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने कुछ दरख्त जो है ना वो बेचे थे कटवाने के लिए। तो अभी वो भाई भी आए हुए हैं दरख्त काटने के लिए, तो वो थोड़ी सी अपडेट वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये दरख्त है जनाब, ठीक है, देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पे सूख गया हुआ, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो इसको सेल किया है, तो एक ये दरख्त है, ये भी मुकम्मल तौर पे सूख गया हुआ, ये भी टाली है, ठीक है, तो अभी इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, इसको भी सेल किया है। और उसके बाद जनाब ये वाली टाली है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, और ये अभी बिल्कुल तंदुरुस्त है, हरी है। तीन दरख्त ये हैं जो काटने हैं, और एक सफ़ेदा है उस साइड पर, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी काटना है। ये दो सफ़ेदे थे हमारे पास, एक जो है ना ये इस साइड वाला, ये हमने बेचा अभी, और जो बुज़ुर्ग अपने ये काट रहे हैं, ये जगह जो है ना ये साफ़ की जा रही है, क्योंकि ये दरख्त जो है ना इसको काटना और इसी साइड पे गिराना है, क्योंकि इस साइड पे आप देख रहे हैं कि गंदम है, तो उसका नुकसान भी नहीं करना। और यहाँ पर नीचे ये कुछ पाथियाँ जो है ना वो पड़ी हुई हैं भाई साहब, ये भी बहुत कीमती हैं, तो इनका भी नुकसान नहीं होने देना, इसलिए अभी इनको जो है ना वो उठा के इस साइड पर किया जा रहा है। ठीक है, अभी भाई ने तार जो है ना वो जनाब बड़ी मेहनत के बाद इसके ऊपर बांध ली है, तो इस ट्रैक्टर की मदद से जो है ना वो इस दरख्त को जाओ इस साइड पे गिराया जाएगा। ये इस जगह पे तार जो है ना वो भाइयों ने बांधी है, ठीक है, और काफ़ी मोटी तार, अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बंद ना करी, इस जगह से जो है ना दरख्त को जनाब वो काटा गया है, तो साथ में भाइयों ने हमारी ये टाली जो है ना जनाब, खैर ये भी 6-6 फुट के जो निशान लगाए थे ना भाइयों ने, उतने उतने हिस्से जो है ना वो काट रहे हैं, तो ये भी आसानी के साथ जो है ना वो उस ट्रॉली के ऊपर जो है ना वो रख सकेंगे। जी जी डंडा बांधना से रखना पड़ता है, हाँ हो गया। तो यहाँ पर बाकी तो सारे पौधे जो है ना वो मैंने काट दिए थे इस दफ़ा, लेकिन ये एक पौधा जो है ना ये बचा हुआ था जनाब, तो इस पे माशाल्लाह फल जो है ना वो कुछ लगा हुआ है खाने के काबिल, माशाल्लाह ये देखिए। तो अभी यहाँ से लकड़ जो है ना वो भाइयों ने लोड कर लिया जनाब, ये जैक सिस्टम देखिए इनका, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क जो है ना वो रहता है। थोड़ा
तो लीजिए जनाब आखिरकार भाई जो है ना वो कामयाब हो गए जनाब। ये वाओ वेल डन। बाकी देखा जनाब आपने कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भाइयों ने कितनी जल्दी इस दरख्त को जो है ना जनाब वो काट छांट करके को समेट लिया। अच्छा यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चले जनाब कि अभी ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ना, ठीक है अभी थोड़ा नज़दीक से भी मैं आपको फिर अब तसल्ली से जो है ना वो दिखाऊँगा। तो ये बुज़ुर्ग हैं जनाब जिन्होंने तकरीबन इसको 1997 में 1,00,000 और कितने था बाबा जी, 1,42,000 रुपये का जो है ना वो खरीदा था, हल समेत जो है ना वो ये ट्रैक्टर जनाब 1,42,000 का 1997 में। और बाबा जी के बकौल ये ट्रैक्टर जो है ये 66 मॉडल है, यानी कि 1966 का जनाब ये बना हुआ है माशाल्लाह। इतना पुराना ट्रैक्टर है जो आज बाबा जी के पास 2023 तक जो है वो बाबा जी फिट चल रहे हैं ना, कोई यदि शिकायत कोई कंप्लेन अजकल के जो ट्रैक्टर ने उन्हों की निस्बत यदि की प्रोग्रेस है। अच्छा ये जनाब इंग्लैंड का फोर्ड तो ये है जनाब एक नायाब सा ट्रैक्टर हमारे पास, ठीक है जो कि फोर्ड ट्रैक्टर है और रेसों वगैरह के लिए जोर वगैरह लगाने के लिए जनाब ये मतलब समझ लीजिए कि मास्टर ट्रैक्टर जो है ना मास्टर पीस समझा जाता है। ये इंग्लैंड का जनाब मेड इन इंग्लैंड है। तो खैर अभी इस साइड से सारा काम ख़त्म हो गया तो वो टाली अभी भाइयों ने जो है ना ये शुरू की हुई है ये वाली ये आगे। तो सेम यही प्रोसेस है जिस तरह जिस सफेदा जो है ना वो काटा गया इसी तरह अभी उसको भी तार बांधेंगे, गंदम की फसल जो है ना वो बचाई जाएगी और इसको कोशिश की जाएगी कि इस साइड पे जो है ना वो गिराया जाए ताकि गंदम की फसल जो है ना वो बच सके। यहाँ से दरअसल जो है ना वो भाइयों ने काट लिया और यहाँ पर लोड जो है ना वो कर रहे हैं, तो यहाँ से जो दरअसल आपको भी काट लिया है, इस दरख्त को भी जो है ना वो काट दिया गया है, ठीक है। अच्छा अभी जनाब रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा है और भाई लोग अभी तक काम कर रहे हैं जनाब और ये इनका तकरीबन फाइनल है, बस थोड़ा सा ही रह गया। अभी ये ट्रैक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना जनाब, ये आखिरी एक समझ लीजिए कि वो टैनी जो है ना वो रह गई है यहाँ पर। ये भाई जो छोटी टैनी है काट छाट कर रहे हैं, भाइयों का काम जो है ना वो थोड़ा सा रह गया बस खत्म होने वाला है। तो चलिए अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं दिया। कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज हमारी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नी के।